हिंदू धर्म का मूल प्रतीक स्वास्तिक शब्द मूल रूप से सु तथा अस धातु से बना है। सु का अर्थ है कल्याणकारी तथा अस का अर्थ है अस्तित्व। इस प्रकार स्वास्तिक कल्याणकारी सत्ता का प्रतीक है। भाव विविधता चैनल में आपका स्वागत है। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में स्वस्ति मंत्र बोलकर उस कार्य की शुरुआत की जाती है। स्वास्तिक चिन्ह का उपयोग बौद्ध, ईसाई, रोमन, ग्रीक आदि संसार की लगभग हर प्राचीन सभ्यता में मिलता है, किंतु प्रत्येक सभ्यता में इसके नाम और रूप में अंतर दिखाई देता है। विश्व की उत्पत्ति का मूल स्रोत स्वास्तिक को माना जाता है। इसकी खड़ी रेखा सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक है और आड़ी रेखा सृष्टि के विस्तार का प्रतीक है। इसका मध्य बिंदु भगवान विष्णु का नाभि कमल माना जाता है। इसी बिंदु से सृष्टि की उत्पत्ति मानी गई है। स्वास्तिक में प्रयुक्त चार बिंदु चार दिशाओं के प्रतीक हैं। ऋग्वेद की ऋचा में स्वास्तिक को सूर्य का प्रतीक माना गया है। इसके मध्य भाग को भगवान विष्णु की कमल नाभि तथा रेखाओं को ब्रह्मा जी के चार मुख, चार हाथ और चार वेदों का प्रतीक बताया गया है। हिंदू धर्म के कुछ ग्रंथों में स्वास्तिक की भुजाओं को चार युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चार आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, चार पुरुषार्थ धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष के रूप में बताया गया है। विद्वानों के अनुसार हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक के दो रूप होते हैं, दक्षिणावर्त स्वास्तिक एवं वामावर्त स्वास्तिक। दक्षिणावर्त स्वास्तिक में भुजाएं आगे की ओर दाहिनी तरफ मुड़ी होती हैं। यही हिंदू धर्म का शुभ सकारात्मक स्वास्तिक है। यही ऊर्जा और प्रगति का मूल आधार है। वहीं वामावर्त स्वास्तिक में रेखाएं पीछे की ओर बाईं ओर मुड़ती हैं। यह नकारात्मक स्वास्तिक होता है। इसे हिंदू धर्म में अशुभ माना गया है। जर्मनी के तानाशाह हिटलर के ध्वज में वामावर्त स्वास्तिक अंकित था। जर्मनी के नाजियों द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला स्वास्तिक चिन्ह सफ़ेद गोले के अंदर काले क्रॉस के रूप में था। यह उग्रवादिता का प्रतीक माना जाता है। संभवतया यही उल्टा स्वास्तिक हिटलर के पतन और विनाश का कारण बना। कुछ विद्वान दक्षिणावर्त स्वास्तिक को भगवान विष्णु का प्रतीक तथा वामावर्त स्वास्तिक को माँ काली का प्रतीक मानते हैं। भारतवर्ष में कुछ स्थानों पर ऐसे मंदिर भी हैं जहाँ उल्टा स्वास्तिक बनाया जाता है। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित खजराना का गणेश मंदिर तथा सीहोर का चिंतामन गणेश मंदिर ऐसे मंदिर हैं जहाँ लोग मनोकामना पूर्ति एवं विघ्न बाधाओं से मुक्ति के लिए उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं। जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो पुनः जाकर लोग उस स्वास्तिक को सीधा कर देते हैं। शुभ कार्य हेतु बनाया जाने वाला स्वास्तिक सिंदूर अथवा रोली से बनाया जाता है, क्योंकि लाल रंग सौभाग्य का, ऊर्जा का एवं मंगल का प्रतीक है। धार्मिक चिन्ह स्वास्तिक को हल्दी से भी बनाने का प्रचलन है। हल्दी द्वारा बनाए गए स्वास्तिक से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तथा उनकी कृपा सदा बनी रहती है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो
लाइक एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।